जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत और श्रीलंका की टीम के बीच एशिया कप का नौवां मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत का क्या चल रहा है, स्कोर किसने बना लिए हैं, कितने रन, क्या चल रही है लाइव अपडेट, वो सब तो आपको यहां पर हम आज की इस लाइव वीडियो में हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि एशिया कप के एक के बाद एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले खेले जाते हुए हम सभी को बीच मैदान पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में अब भारत और श्रीलंका की टीम के बीच एशिया कप 2022 का नौवां मुकाबला खेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों इस मुकाबले को आप सभी लाइव अपनी टेलीविजन पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से देख सकते हो, और हम आपको बता दें कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आप सभी को हॉटस्टार ऐप पर आती हुई दिखाई देगी। हालांकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच एशिया कप का आठवां मुकाबला खेला गया था, और उस मुकाबले में भारतीय टीम को लगभग 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। और अब ऐसे में श्रीलंका की टीम के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले में अब श्रीलंका की टीम को हराकर भारतीय टीम पूरी कोशिश करेगी कि वो एशिया कप की सुपर फोर राउंड में अपने स्थान को ऊपर तक लेकर आए, और श्रीलंका की टीम के खिलाफ एक ऐसा नेट रन रेट स्थापित करे जिसके करीब भी कोई अन्य टीम जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका तक पहुंच भी ना पाए। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच हम सभी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाता हुआ नजर आएगा, और ऐसे में दोस्तों भारत की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में होगी, तो वहीं श्रीलंका की टीम की कप्तानी दसुन सनाका करेंगे। हालांकि हम आपको बताएं भारत और श्रीलंका की टीमों के बारे में इस मुकाबले की लाइव अपडेट को जानने से पहले, तो दोस्तों भारत के जो स्क्वाड में अब नए खिलाड़ियों को जिनको जोड़ा गया है वो कुछ इस प्रकार से हैं। जहां रोहित शर्मा टीम का हिस्सा है, श्रेयस अय्यर को मौका मिला है, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, अक्षर पटेल, दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल आप सभी को भारत की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बात करें अगर श्रीलंका की टीम की, तो श्रीलंका की टीम की तरफ से एशन बांद्रा, भानुका राजपक्षे, चरित असलंका, धनुष्का गुनाथिलिका, नुमानिंदु फर्नेडो, पथुम निसंका, चमिका करुणारत्ने, दसुन सनाका, धनंजय डी सिल्वा, वनिंदु हसरंगा, दिनेश चंदीमल, कुशल मेंडिस, असिस्ता फर्नेडो, बनीरू फर्नेडो, दिलशान मधुशंका और उनके साथ साथ महेश तीसराणा जैसे खिलाड़ी आप सभी को खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये तो होगी भारत और श्रीलंका की टीम है जो कि आप सभी को खेलते हुए नजर आएगी, और इनमें से 11 खिलाड़ी उतरेंगे। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका दोनों ही मजबूत प्रतिद्वंदी टीमें, और अपने पिछले दो मुकाबले जीतने के बाद श्रीलंका की टीम ने बताया है कि उसको कम समझने की कोशिश भारत पाकिस्तान जैसी टीमें ना करें। तो ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा को अपनी एक मजबूत से मजबूत प्लेइंग 11 टीम लेकर जानी होगी जो कि श्रीलंका जैसी टीम को खुलेआम चुनौती दे सके। हालांकि दोस्तों अब उम्मीदें तो यही होंगी कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जरूर जीतेगी और श्रीलंका की टीम को हराने के साथ ही एशिया कप में अपने परचम को आगे बढ़ाएगी और एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने की अपनी राह को भी आसान करेगी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और श्रीलंका की टीम के बीच खेले जा रहे इस रोमांचक मुकाबले के बारे में, और आपके अनुसार कौन सी टीम यह मैच जीतेगी, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।